तो जैसे कि टेक कम्युनिटी वाले लोगों को पता है कि पिक्सल 2 के कैमरा से बहुत ही अच्छी फोटोज़ आती हैं, और स्पेशली मैं पोर्ट्रेट इमेजेस की बात कर रहा हूँ, और एक्चुअली वो पोर्ट्रेट इमेजेस आप अपने एंड्रॉयड से भी ले सकते हैं। तो मैं शो करता हूँ आपको कैसे। तो XDA पे एक डेवलपर ने गूगल पिक्सल 2 का जो पोर्ट्रेट मोड वाला फीचर है उस APK को एक्सट्रैक्ट करके सारे एंड्रॉयड्स के लिए अवेलेबल कर दिया है, और ये सरप्राइजिंगली रेडमी नोट 3 पे चल रहा है पर जुक Z2 जिसमें स्नैपड्रैगन 820 है उसमें नहीं चल रहा। और ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे स्नैपड्रैगन 820 पे नहीं चल रहा तो सब पे ना चले, मे बी OnePlus 3 पे चले जिसमें स्नैपड्रैगन 820 है, और आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके फ़ोन में चल रहा है या नहीं, और उसके लिए आपको APK डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर लीजिए एंड चेक कीजिए कि आपके फ़ोन में चल रहा है या नहीं। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली APK को ओपन करना है, और अगर मैं फीचर्स बताऊं तो इसमें आपको HDR प्लस मिल जाता है, और बाकी बेसिक फीचर्स हैं आपको जो ऑप्शंस मिलते हैं ग्रिड लाइंस के, कलर टेम्परेचर के और फ्लैश लाइट के। और यहाँ पे अगर मैं एक और बात बताऊँ आपको, वीडियो में आपको 60 FPS पे शूट करने का भी ऑप्शन मिलता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब वो शायद काम करे शायद ना करे उसकी गारंटी नहीं है, पर ऑप्शन मिलता है तो वो है। आपको अगर अब मैं सेटिंग्स में दिखाऊं तो आपको सारी बेसिक सेटिंग्स जो कैमरा के लिए चाहिए वो आपको मिल जाती हैं, जैसे रेजोल्यूशन चेंज करना या 4K और 1080p में रिकॉर्ड करने की सेटिंग्स मिल जाती हैं, और यहाँ पे आपको HDR प्लस का कंट्रोल भी मिल जाता है। अब अगर आपको मैं ऑप्शंस दिखाऊं यहाँ पे मोड, तो पोर्ट्रेट मोड जिसकी वीडियो है अब यहाँ पे आपको वो मिलता है, और यहाँ पे आपको फेस रिटचिंग मिल जाता है, ग्रिड लाइंस मिल जाते हैं, और वहीं बेसिक फ्लैश लाइट वगैरह मिल जाता है। और अब यहाँ से सिंपली आप पोर्ट्रेट मोड में फ़ोटो खींच सकते हैं, सिर्फ आपको शटर बटन पे टैप करना है, और मेक श्योर कीजिए कि आपका जो सब्जेक्ट है वो फोकस में है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद आप जैसे ही देखेंगे प्रोसेसिंग HDR प्लस हो रहा है। अब ये जैसे ही कंप्लीट होता है आप पे दो शॉट आते हैं जो कि स्मार्ट बर्स्ट कहते हैं इसे, एक आएगा आप पे नॉर्मल विदाउट पोर्ट्रेट मोड, और एक आएगा आप पे पोर्ट्रेट मोड के साथ जो होगा बैकग्राउंड ब्लर वाला। अब आपको मैं बाकी सैंपल्स दिखा देता हूँ जो मैंने पोर्ट्रेट मोड से लिए हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये सच में पसंद आया और अगर आपके फ़ोन में काम कर रहा है तो XDA पे जाके आप उस डेवलपर को ज़रूर थैंक कीजिए, और मैं शुभम आहूजा आपसे मिलूँगा अगली वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।